Yes, hello everyone. Yes, good evening all of you. सबको वॉइस आ रहा है क्लियर? ओके, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. जो चैट बॉक्स होता है वहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो. जो भी क्वेश्चंस है आपके वो पूछ सकते हो. नहीं, रिकमेंडेशंस हो गए, या फिर अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है सो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो जहाँ पे लाइव चैट बॉक्स होगा, राइट? सो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू अवर ऑल नेशनल पार्क थ्रू द मैप सेशन. एंड अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स कवर किए इसके, एंड नाउ इट्स L4, दैट इज लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज. एंड देखते हैं, इसके स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो न्यू बैचेस हमारी लॉन्च हो रही है, दैट इज 22-23 के लिए. एंड 12th ऑफ फेब से ये बैचेस लॉन्च हो रही है, एंड जिसमें 1 ईयर एक बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश बैच होगी. देन आफ्टर दैट 2 ईयर्स की भी बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश बैच होगी. एंड NCERT के भी बेसिक्स इसमें हम ऑलरेडी कवर मतलब यहाँ पे NCERT के बैचेस भी कुछ कवर हो रहे हैं ऑलरेडी. ओके, यू कैन यूज़ द कोड दैट इज सुमित कोंडे. एंड जो भी आपको यहाँ पे मतलब जो हम आज देखने वाले हैं, तो उसके अगर PPTs एक्सेट्रा अगर आपको चाहिए सो यू कैन गो टू द अन अकेडमी. ओके, अन अकेडमी के ऐप पे अगर आप जाते हो, ठीक है? सो वहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद जस्ट अनलॉक कोड टाइप करना है, दैट इज सुमित कोंडे. ओके, एंड मेरे जो सेशन से आप सर्च बॉक्स में जाके फाइंड आउट कर सकते हो. सो स्पेशल क्लासेस इसके रिलेटेड मिल जाएगी आपको. सो ऑल दी स्पेशल क्लासेस, ओके? तो उसमें बहुत अच्छे PPTs आपको, PDFs जो होती है, तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो. मतलब आपके पास एक कंपाइल्ड नोट्स रहेंगे, ठीक है? सो आपके पास क्या हो गया कि नोट्स हो जाएंगे इसके बारे में, ठीक है? चलो एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल पार्क्स. ओके, सो इसके पहले हमने पहले 3 सेशन में जो देखा था, सो दैट इज़ द हेमिस नेशनल पार्क ऑफ द लद्दाख. देन जम्मू कश्मीर के हमने देखे थे सिटी फॉरेस्ट, दाचीगम, किश्तवाड़ एंड काजीनाग. देन आफ्टर दैट हमने देखा था सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगम, किश्तवाड़, ये जो थे, काजीनाग भी था. सो वो एक देखा था हमने जम्मू कश्मीर में. एंड आफ्टर दैट हमने हिमाचल में देखे थे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरा गंगा, इंद्री केला एंड सिम्बालबारा. ओके, तो ये हमने कवर अप किए थे. एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कवर किया था, सो दैट इज़ सैल फॉरेस्ट क्या होता है वो भी हमने देखा था. देन आफ्टर दैट उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमने क्या क्या देखा था प्रीवियस सेशंस में, सो दैट इज़ जिम कॉर्बेट, देन गंगोत्री, गोविंद पशु विहार जो कि उत्तराखंड में आता है, गोविंद पशु विहार, राइट? एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, ये हमने कवर अप किया था मॉर्निंग के सेशन में. राजा जी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड के हमने पूरे रिवाइज किए थे. दैट इज जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि अभी डिस्कशन में होगा, तो ये मॉर्निंग में हमने पूरे इसके बैकग्राउंड भी चेकआउट किया था, क्या है ग्लॉफ, क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी देखा हमने जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस था. नंदा देवी जो कि वैली ऑफ द फ्लावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये पार्ट आता है, दैट इज़ वैली ऑफ नेशनल पार्क. ओके, ये हमने कवर किया था. एंड आफ्टर दैट यूपी देखा था हमने, उत्तर प्रदेश. ओके, सो उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पे जो आता है नेपाल बॉर्डर के साथ, सो दैट इज़ द दुधवा. ओके, सो ये हमने दुधवा भी कवर किया था मॉर्निंग के लेक्चर्स में, बराबर है? तो दुधवा तक आए थे हम शायद. एंड लखीमपुर खेरी ये जो पार्ट में देखा था. एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले से, सो इन बिटवीन अभी यूपी हमने एक देख लिया था, एंड अभी थोड़ा सा हरियाणा की तरफ हम जाने वाले थे, ठीक है? सो दैट इज़ द हरियाणा जो कि यूपी के वेस्ट में आता है, पंजाब के ईस्ट में, राजस्थान नॉर्थ ईस्ट की तरफ. सो हरियाणा में दो आते हैं, दैट इज़ कालेसर एंड सेकेंड इज़ द सुल्तानपुर. कालेसर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो बॉर्डर्स है तो वहाँ पे आता है ये कालेसर. बहुत ही अच्छा फॉरेस्टेड रीजन है, एंड शिवालिक का पार्ट आएगा यहाँ पे. सो शिवालिक की बॉर्डर सबको पता होगी, राइट? तो देखो पंजाब है यहाँ पे और ये है हरियाणा. ओके, सो हरियाणा एंड पंजाब के बॉर्डर्स पे अगर आप देखोगे ऊपर की बॉर्डर जो है हिमाचल एंड उत्तराखंड से जो लगती है, ओके, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मतलब पंजाब एंड उत्तराखंड जो बॉर्डर है यहाँ पे ऊपर की तरफ, उत्तराखंड, ये हिमाचल एंड ये थोड़ा सा पार्ट अगर हम देखा जाए, यूपी तो छोड़ दो यहाँ पे, बट जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे हिमाचल एंड पंजाब को लग के, सो वो रहेगा शिवालिक का पार्ट. अंडरस्टूड? तो ये शिवालिक का एक्सेट्रा पार्ट आता है. एंड एनीवेज बस इतना याद रखो, कालेश्वर ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉरेस्टेड पार्ट रहेगा बिकॉज शिवालिक यहाँ पे आता है. एंड एक पार्ट बहुत ही साउथ की तरफ है, वहाँ पे रहेगा सुल्तानपुर, गुड़गांव के नॉर्थ वेस्ट में आता है, दैट इज द सुल्तानपुर. ओके, तो दैट इज सुल्तानपुर, राइट? तो कालेसर देख लो, कालेसर. सर यस, सॉरी सर, है सबको क्लियर? यस, गुड इवनिंग ऋतुराज. ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ओके, सबको वॉइस आ रहा है क्लियर?
ओके ठीक है ठीक है। सो देखो कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क ये अगर हम देखते हैं यमुना नगर में आता है। ओके नॉर्थ की तरफ है, हरियाणा में यमुना नगर के जो पार्ट्स है तो वहाँ पे आता है। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय यमुना रिवर टू द ईस्ट। अब इसके ईस्ट से अगर आप देखोगे तो यहाँ से यमुना रिवर कुछ फ्लो होती है ईस्ट की तरफ से। ओके यमुना रिवर ईस्ट की तरफ से जा रही है, राइट। एंड राजा जी नेशनल पार्क देखा जाए उत्तराखंड का, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यमुना एंड राजा जी ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आते हैं। सिंबल बारा जो था, ये मेन शिवालिक रेंज ये इसके नॉर्थ में आएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में हमने सिंबल बारा देखा था। तो सिंबल बारा कालेसर ये दोनों आसपास आते हैं, बट स्टेट अलग है। एक रहेगा यहाँ पे हरियाणा में एंड एक रहेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिंबल बारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की तरफ आता है, तो ये उसके नॉर्थ में आ जाएगा। और बाकी फिर मोरनी हिल्स एक्सेट्रा ये पार्ट आते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओनली याद रखो कि यमुना रिवर, राजा जी नेशनल पार्क एंड सिंबल बारा ये इसके आसपास के रीजन है कालेसर के। ओके एंड देन सिंबल बारा नेशनल पार्क, इट्स ऑल्सो कंटिन्यूस सिंबल बारा का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। एंड राजा जी नेशनल पार्क, ओके तो इसके बिटवीन आता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो राजा जी, सिंबल बारा एंड कालेसर ये दोनों सब तीनों के तीनों एक साथ आ रहे, देखो यहाँ पे। राजा जी यहाँ रहेगा उत्तराखंड की तरफ, ओके राजा जी यहाँ पे हम देख सकते हैं, राजा जी उत्तराखंड की तरफ है। देन हिमाचल प्रदेश की तरफ कौन सा है, यस सो दैट इज सिंबल बारा, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सिंबल बारा, ओके और यहाँ पे कालेसर। तो ये तीनों मिलके आ रहे हैं, राजा जी नेशनल पार्क, सिंबल बारा जो हिमाचल प्रदेश एंड कालेसर इन हरियाणा। तो ऐसे तीन एक साथ दिख रहे हैं आपको, और यूपीएससी बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि आसपास कौन से आते हैं। ओके यहाँ पे आसपास वाले कौन से हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो याद रखना ये वाले। ओके कालेसर के आसपास कौन से आएंगे। ओके तो हरियाणा, ओके हरियाणा देन सिंबल बारा जो कि हिमाचल का पार्ट है, राजा जी उत्तराखंड का पार्ट है। ओके यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थोड़ा टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, हमारे डेली सेशन होगा 6:30 PM को। ओके इसको डेली ज्वाइन करो। एंड अगर आपको पीपीटीज एक्सेट्रा चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप अनएकेडमी ऐप पे आ सकते हो, और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद सुमित कोंडे जस्ट टाइप करना। एंड 9 PM को डेली हमारा एक सेशन होता है, 9 PM और 9:30 को मैक्स, ठीक है। चलो एनीवेज, कालेसर इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ लियोपर्ड, पैंथर एंड रेड जंगल बर्ड, ऐसे कुछ होते हैं। एंड शिवालिक के फुटहिल्स का ये पार्ट है, राइट। यहाँ पे सैल ट्रीज आपको मिल जाएंगे। सैल मतलब कौन से ट्रीज होते हैं, कि जो ये तराई रीजन में मिलते हैं, बिकॉज कालेसर अगर देखोगे तो ये अगेन थोड़ा साउथ की तरफ आता है, इसलिए यहाँ पे सैल ट्रीज आपको मिली जाएंगे, मतलब जो तराई रीजन्स में मिलते हैं। ऐसे ट्रीज कौन से होते हैं, सैल ट्रीज, ओके वेटलैंड थोड़ा सा काइंड ऑफ पार्ट होता है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि मार्शी रीजन्स होते हैं, तो मार्शी रीजन होगा या स्वैम्पी रीजन। ओके तो ऐसे एरियाज में सैल फॉरेस्ट ग्रो होता है, तराई रीजन्स वाला, ठीक है। तो ये कालेसर में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट आएगा सुल्तानपुर, जो कि हरियाणा का दूसरा है। ओके हरियाणा में दो, एक कालेसर एक एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर एक्चुअली बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, फारूक नगर ऐसे कुछ पार्ट आता है गुरुग्राम के पास, तो वहाँ पे ये मिलेगा आपको सुल्तानपुर। एंड यहाँ पे मोस्टली देखो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ओके तो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो ऐसे वर्ल्ड में अगर देखा जाए टोटल 8 मेजर फ्लाईवेज आते हैं, बर्ड फ्लाईवेज, और इंडिया में इसमें 2 आते हैं, मतलब इंडिया में 2 रीजन से आ जाते हैं, तो 2 फ्लाईवेज में आता है इंडिया, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और अफ्रीकन, ये जो फ्लाईवेज है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ईस्ट एशिया फ्लाईवे, तो इसमें 2 इसमें आता है इंडिया। अंडरस्टूड, क्लियर है, समझ रहे सबको, ठीक है। तो 2 फ्लाईवेज में इंडिया, याद रखो। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे एंड ईस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीका फ्लाईवे। तो इंडिया में जो डिफरेंट माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा अट्रैक्शन है सुल्तानपुर हरियाणा में, जो कि वेटलैंड्स आते हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो उसके लिए मेजर अट्रैक्शन होगा। ओके तो इतने 2 ही है, ये ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हरियाणा में या बस लोकेशन याद रखो, कालेसर एंड सुल्तानपुर 2 ही आते हैं नेशनल पार्क। चलो आ जाते हैं बिहार। तो बिहार में देखो अगेन बॉर्डर पे, जैसे हमने दुधवा देखा था एंड दैट इज और क्या देखा था हमने, कॉर्बेट वगैरह तो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो याद रखना दुधवा नेशनल पार्क है, ये तो वैसे टाइगर रिजर्व का मैप है, बट ना कुछ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो दुधवा हमने यूपी का जो देखा है वो, एंड अभी बिहार वाला जो वाल्मीकि है, तो वो आते हैं नेपाल को लग के, है ना, तो बॉर्डर को लग के आ रहे हैं, समझ रहे हैं सबको। तो ये आएगा दुधवा एंड वाल्मीकि, क्लियर। तो बिहार में एक ही है, सो दैट इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क, एंड यूपी में भी एक ही था, दैट इज़ दुधवा था, राइट। तो बिहार वाला वाल्मीकि देखते हैं चलो, जो कि लग के आता है नेपाल बॉर्डर को।
सो वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी आता है, नेशनल पार्क भी है, एंड ये वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है तो बिहार में, तो वहाँ पे बिलोंग करता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक। अब ये बन सकता है क्वेश्चन कि कौन से रिवर के बैंक पे आ जाएगा ये वाल्मीकि। ओके सो ये वैसे तो आपको बाकी तो रिवर्स पता है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज अच्छे तरीके से देख लो, और उसमें से जो गंडक है देखो यहाँ से फ्लो होती है, राइट, दिस लाइक दिस। ओके तो गंडक, गंडक रिवर पे आता है वाल्मीकि। ओके अब आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेट हिमालय आता है ऊपर की तरफ, राइट, ऐसे कुछ आ जाएगा, देन मिडिल हिमालय, एंड सबसे लास्ट में अब यूपी एंड नेपाल की बॉर्डर्स है, सॉरी, सो यूपी एंड नेपाल की अगर बॉर्डर्स है तो आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे बॉर्डर की जब हम बात करेंगे तब यहाँ पे होगा नेपाल, सॉरी शिवालिक होगा, राइट, तो ये शिवालिक के आसपास आता है, और इसी वजह से यहाँ पे वेटलैंड, बहुत अच्छा वेटलैंड कुछ बना, ठीक है, तो वाल्मीकि ये क्या होगा, वेटलैंड वाला पार्ट होगा, इतना दिमाग में रखो, एंड एक तो गंडक रिवर है और दूसरा नेपाल बॉर्डर, बस, ठीक है, इतना हमको देखना है। एंड यहाँ पे फिर बाकी एक्सटेंसिव फॉरेस्ट एरिया, वाल्मीकि नगर कुछ एक फॉरेस्ट एरिया है जिसको भैंस भैंसा लोटन ऐसे कुछ कहा जाता है, तो शायद इस पर भी कुछ बन सकता है क्वेश्चन, भैंसा लोटन ऐसे किसको कहा जाता है, ठीक है, सो दैट इज़ द वाल्मीकि नेशनल पार्क। एंड गैंजेटिक प्लेन का ये पार्ट है, भाबर रीजन से यहाँ पे बना है, जो कि आपको पता होगा अगर जोग्राफी में अगर हम देखते हैं, सो आप देखोगे तो क्या होता है कि जब हिमालय रिवर जस्ट क्रॉस करके उतर जाती है नीचे की तरफ, प्लेन्स में एंटर करती है, तब एग्जैक्टली फुटेज पे कुछ ऐसे लार्ज पेबल बोल्डर्स आके डिपॉजिट करती है, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सो दैट इज़ भाबर रहता है वो क्या होता है, भाबर। ओके एंड उसके बाद यहाँ पे रिवर डिजैपियर हो जाती है, अगेन रिअपियर होती है बिकॉज स्लोप अभी कम हुआ है, यहाँ पे फ्लड लाइक, इसके बाद भाबर के बाद जो फ्लड लाइक सेक्शंस बनते हैं, ओके, तो ये ऐसा कुछ फ्लड जैसे रीजन्स बनेंगे, ठीक है, फ्लडी सिचुएशन या बैड ड्रेनेज कुछ बनता है, रिवर कहाँ पे भी जा रही है, लाइक बहुत ज़्यादा एक साथ पानी आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पे फिर बन गया तराई, दैट इज़ वेटलैंड। ओके तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, सो ये हो गया वेटलैंड रीजन, और यही तराईज में हमने देखा है ना अभी तक, दुधवा मिलेगा आपको, देन और क्या मिलेगा, वाल्मीकि लिए मिलेगा तराई में, राजा जी भी मिल जाएगा ऐसे ही तराई सेक्शन में, एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो काजीरंगा है। ओके सो ऐसे तराई बनते हैं, और उसके बाद इसके नीचे हाँ आप देखोगे तो ये होगा भाबर, सॉरी दैट इज़ अ भांगर ना, नेक्स्ट होगा बांगर या भांगर, बांगर भी कहा जाता है इसको, या भांगर भी आप बोल सकते हो। सो ये होता है ओल्ड फ्लड प्लेन, ठीक है, थोड़ा सा हाईलैंड पे होता है रिवर से, थोड़ा सा फ्लड के टाइम जब डिपॉजिट होगा तो ऐसे भांगर्स बनते हैं, एंड लास्ट में रिवर को जो लक्के होता है, रिवर को लक्के एकदम फाइन मटेरियल होगा, ओल्ड फ्लड प्लेन अगर होगा तो उसको कहा जाएगा भांगर, एंड जो रिवर के लक्के होता है, रिवर को लक्के कंटिन्यूसली फ्लो में होता है, बहुत फ्रेश होता है, फ्रेश फ्लड होता है, फ्रेश एलिवियल फ्लड, फ्रेश वाला, ओके न्यू वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सो दैट इज़ नोन एज द खादर, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है खादर फॉर द एग्रीकल्चर, ये बहुत अच्छे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें से एक ही चीज़ याद रखो कि भाबर एंड तराई ये थोड़े से बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छे हो गए, नेशनल पार्क के लिए अच्छे हो गए, एंड ये भांगर एंड खादर जो है, भांगर एंड खादर, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ओके, पॉपुलेशन रिसाइड होने के लिए भांगर एंड खादर अच्छे होते हैं, ओके, पॉपुलेशन सेटल होने के लिए। सो ये सब पॉइंट आपको देखना है। सो ऐसे ही फिर वाल्मीकि हमने जैसे देखा है कि बॉर्डर्स पे आता है, एंड सोमेश्वर हिल्स, डून हिल्स, ऐसे कुछ छोटे छोटे हिल्स से उसके पार्ट आते हैं, एंड देखो यहाँ पे भाबर दिया है कि नहीं, भाबर एंड तराई ट्रैक्ट है जो कि एक के बाद एक आएगा, पहले भाबर देन तराई, देखो बोल्डर एंड पेबल्स एंड डिपोजिटेड बाई हिमालयन रिवर्स फुट हिल्स, ओके, एंड वाइल द फाइनर सेडिमेंट डिपॉजिट फीचर द तराई लैंड, कुछ ऐसे तराई भी बन रहे यहाँ पे। सो एनीवेज वाल्मीकि फेमस है टाइगर्स के लिए, आई होप सबको समझ गया, एंड उसके बाद भैसन लोटन ऐसे कुछ पार्ट आते हैं, रिवर गंडक हमने देखी है, एंड वाल्मीकि नगर, भैसन लोटन ऐसे कुछ पहले इसको कहा जाता था, एंड वैसे और भी रिवर है यहाँ पे, सोनहा रिवर एक आती है, पचनाद रिवर एक आती है, एंड गंडक को मिलके त्रिवेणी कहा जाता है, एंड यही गंडक रिवर को नेपाल में क्या नाम है, नारायणी रिवर, ओके सो नारायणी रिवर ऐसे कुछ कहा जाता है, सो दैट इज़ इन नेपाल, ओके, पूछ सकते हैं ये भी नारायणी रिवर मतलब कौन सी रिवर है, सो दैट इज़ ना नेपाल वाली गंडक, गंडक ही है बट उसको नेपाल में नारायणी कहते हैं, और बाकी फिर बंगाल टाइगर है, राइनोज है, देन एशियाटिक ये सब वाइल्ड बोर, वाइल्ड डॉग्स एक्सेट्रा यहाँ पे मिलते हैं, डिफरेंट बार्किंग डियर भी मिलता है, स्पॉटेड डियर यहाँ पे आएगा, ठीक है, हॉक डियर ऐसे एक्सेट्रा ये सब आते हैं, और यहाँ की एक इंपॉर्टेंट एक ट्राइब है यहाँ पे जो मुझे करंट में दिखी थी थोड़ी सी, सो थारू ट्राइब, थारू नाम की यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है, डिफरेंट कम्युनिटीज़
ओके, तो ये यहाँ पे मिलते हैं, मोस्टली धनगर काइंड ऑफ में आती है, विच मीन्स रिटेन लेबर इन ओरेनो डायलेक्ट में कुछ आते हैं, ठीक है, मुंडा, लोहरा, बुइया। बट थारू एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जो कि सिर्फ यहाँ पे नहीं मिलती, यूपी में भी मिलते हैं, बट यहाँ पे एक मेजर उनका लोकेशन रहेगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझा, एक ही था वैसे बिहार में और वो था यहाँ पे शिवालिक के आसपास, ओके, नेपाल के बॉर्डर पे, एंड दैट इज द वाल्मीकि। अंडरस्टूड इज एवरी वन? यस। नेक्स्ट लेना है सिक्किम में भी एक ही है, दैट इज द कांचनजुंगा ओनली। लेना है कांचनजुंगा? यस, एवरी वन इज रेडी? ठीक है, सब एंजॉय तो कर रहे हो सेशन, समझ रहा है सबको? ठीक है, अभी तक हमने देखो जम्मू कश्मीर देखा है, लद्दाख देखा है, हिमाचल देखा है, उत्तराखंड हो गया हमारा, ओके, देन हरियाणा भी हो गया, यूपी भी हो गया, एंड बिहार हो गया। अब हम है रहेंगे सिक्किम पे। तो ऐसे धीरे धीरे हम सब पूरे नेशनल पार्क धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। बस आपकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अगर इतना सब हो जाता है तो देखो आपके क्वेश्चन, मतलब जो भी दो क्वेश्चन तो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके 4 मार्क्स हो गए, एंड 4 मार्क्स मतलब एक मार्क पे भी नहीं, बोले तो भी थाउजेंड थाउजेंड स्टूडेंट्स होता है, तो मतलब 4,000 स्टूडेंट्स के आपको आके जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, देखो ऐसा मटेरियल आपको ना शंकर में मिलेगा, ना कोई एनसीईआरटी में मिलेगा, तो ये कंटेंट आपको कंपाइल्ड एक ही जगह जगह पे मिल रहा है। सो डू नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर, ओके, ठीक है। सो कांचनजुंगा, चलो फिर कांचनजुंगा देखते हैं। सो दैट इज दस इन द सिक्किम, अगेन नेपाल के आसपास आ रहा है, ठीक है। सो नेपाल बॉर्डर पे आता है, देखो अभी तक हमने दुधवा एक देखा था जो कि यूपी में था, एक वाल्मीकि देखा है, एंड अब ये कांचनजुंगा, तो ये नेपाल के बॉर्डर्स पे आ रहे हैं तीनों भी, ठीक है। तो इसमें से कांचनजुंगा भी नेपाल के बॉर्डर पे आता है, एंड इट इज़ द यस सेकेंड, सॉरी यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन के बाद अगर देखा जाए तो ये सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट आ सकता है, मतलब उसके बाद, मतलब वैसे तो माउंट एवरेस्ट आता है नेपाल में, बट अगर इंडिया में देखते हैं हम, K2 गॉडविन ऑस्टिन ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और उसके बाद कांचनजुंगा इज़ द यस ग्रेट हिमालय का थर्ड है, बट इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द कांचनजुंगा। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा ऊंचाई है, ऊंचाई पे रहेगा। देखो इनके वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स पे आता है नेपाल, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर कैसा दिखेगा आपको, बहुत ही लो टेम्परेचर है नेपाल को लग के, देखो एकदम पूरा सा स्नो से भरा पड़ा है, ठीक है, तो पूरा स्नो दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन वेजिटेशन, या अल्पाइन या पैलियार्टिक रियाम में कौन आता है, पैलियार्टिक रियाम या अल्पाइन काइंड ऑफ कौन सा नेशनल पार्क हो सकता है। तो आपका आंसर ये स्नो याद आना चाहिए आपको, ठीक है, ये स्नो दिख रहा है सबको, इतनी ज़्यादा हाइट दिख रही है, तो ठीक है, तो ये आपको याद आनी चाहिए, कांचनजुंगा मतलब बस इतना याद करो, ठीक है। यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, इसके नीचे ही एक नेवरा वैली आता है, मतलब थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की तरफ, तो वो क्या है कि वो ये ऐसा नहीं दिखेगा आपको, समझ रहे हैं, तो बहुत पास पास में दिखते हैं, बट देखो अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं सबके। तो देखो अल्पाइन आएगा तो आपका आंसर क्या चाहिए, या कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं, अल्पाइन कहाँ पे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली कहाँ पे मिलेंगे, कांचनजुंगा में। चलो देखते हैं फिर। सो कांचनजुंगा, सो ये एक तो नेशनल पार्क भी आता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लो, तो नेशनल पार्क भी है ये खुद, बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है यूनेस्को का वो भी है, और यूनेस्को के 11 मैप साइट है, तो उसमें भी आता ही है, मतलब 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से 11 मैप साइट्स है, तो उसमें भी आता ही है। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, यूनेस्को के जो यूनेस्को के नेचुरल साइट होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसमें भी है, और मिक्स साइट में भी है, मतलब क्या है कि यहाँ पे नेचुरल और कल्चरल दोनों भी आता है, और मिक्स साइट में भी है। सो यूनेस्को यूनेस्को के मिक्स साइट वाली ओनली प्लेस है ये, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देखो टोटल नेचुरल एक होती है, कल्चरल एक होती है, एंड मिक्स होती है, तो ये मिक्स साइट वाला ओनली है इंडिया का, ठीक है, और दैट इज दिस वन, ओके, सो दैट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, समझ रहे हैं सबको? सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, मिक्स वाली कौन सी आ गई फिर, सो दैट इज द कांचनजुंगा, ओके, एंड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, ये तो हो ही गया, लेप्चा ट्राइबल समथिंग, ये लेप्चा नाम की एक ट्राइब यहाँ पे मिलेगी आपको, एंड बाकी फिर टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है, वो थोड़ा सा याद रखना है आपको, एंड टेम्परेट ब्रॉडलीफ मिक्स फॉरेस्ट, एंड ओक्स एंड फर, बर्च, मैपल, विलो होगा, तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, एंड मस्ट डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन तहार, ढोल, स्लॉथ, ऐसे एक्सेट्रा पार्ट मिलेगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जेमू ग्लेशियर यहाँ पे है, तो इसमें आता है जेमू ग्लेशियर, ओके, जेमू ग्लेशियर। सो जेमू ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से निकलती कौन सी रिवर, तिस्ता रिवर,
ओके, तो यहाँ पे ही आता है वो, कांचनजुंगा में ही आएगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो जस्ट वेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कांचनजुंगा है, तो यहाँ पे आएगा जेमू ग्लेशियर, और जेमू ग्लेशियर से ही निकलते हैं तिस्ता, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। ओके, तो ये आएगा जेमू ग्लेशियर कांचनजुंगा में, याद रखना सिक्किम में आता है। ओके, तो 26 किलोमीटर लॉन्ग ऐसा कुछ ये ग्लेशियर आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलेगा, समझ गया सबको कांचनजंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एक तो मैप साइड भी है, मैनन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व के टोटल साइट में भी अभी आता ही है, नेशनल पार्क भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो भी मिक्स वाली, ओनली इंडिया की, ओनली रहेगी, ओनली इंडिया, इंडिया में एक ही साइट है इतनी, तो ये भी है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें याद रखो, नेशनल पार्क एक्सेट्रा, एंड यहाँ पे बहुत ही एक अलग सा फीचर है, तो वो हमने देखा है कांचनजंगा का, एकदम अल्पाइन काइंड ऑफ फॉरेस्ट होगा, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मत लेके जाओ, समझ रहे हैं आपको, यूपीएससी ने पूछे ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे ट्रॉपिकल भी मिलता है, सब ट्रॉपिकल। अब कैसे पॉसिबल होगा इतने हाइट पे, ट्रॉपिकल पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा, देर इज नो ट्रॉपिकल, नो ट्रॉपिकल, याद रखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होगा यहाँ पे, या ट्रॉपिकल वेजिटेशन नहीं होगा यहाँ पे, ओनली होगा तो वो होगा अल्पाइन होना चाहिए, या कॉनिफेरस ट्रीज यहाँ पे होने चाहिए, नॉट ट्रॉपिकल। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ गया सबको, क्लियर? यस, ओके, ग्रेट। ओके, तो रिप्लाई कर सकते हैं आप लाइव चैट बॉक्स में, ठीक है, चलेगा। ओके, तो देख लेना, चलो कांचनजुंगा हमने देख लिया है, देन उसके बाद दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, सो वेस्ट बंगाल में कौन से, बक्सा, गोरुमारा, जलदापरा, नेवरा वैली, सिंगा सिंगाई लेला, ओके, एंड सुंदरबन। ओके, तो टोटल कितने आ रहे, 6 आ रहे वेस्ट बंगाल में। ओके, तो टोटल 6 है, देखो फिर से देख लो, बक्सा जो कि बहुत ही ईस्ट की तरफ आती है, बक्सा आपको यहाँ पे दिखेगा, सो बहुत ही ईस्ट की तरफ है, जो आसाम की तरफ आती है, चिकन स्नेक वाला जो पॉइंट है, तो वहाँ पे आ जाएगा, चिकन स्नेक पता है ना सबको, ये वाले पॉइंट, ठीक है। अभी देखो ये वेस्ट बंगाल है, बराबर है, तो ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ऐसा वाला पार्ट, ठीक है। तो एक ही बस सुंदरबन नीचे आता है, बाकी सब के सब जितने भी पांचों के पांचों, ये सब इधर ऊपर की तरफ भरे पड़े हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ, भूटान के साउथ में होगा, या आसाम के वेस्ट में होगा, या सिक्किम के साउथ में, या फिर नेपाल के यहाँ पे ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहा है सबको? यस, गुड। ओके, तो देखो अभी है ना ऊपर की तरफ ये चिकन स्नेक है, तो वहां पे ही आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो चलो, तो ये आ गया बक्सा यहाँ पे, ठीक है। आई नो दैट कि ये थोड़ा सा मैप अलग है, तो यहाँ पे देखो मैं बॉर्डर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है नीचे वाली, ठीक है, और इसके बाद ये, इसके बाद थोड़ा सा ईस्ट की तरफ रहेगी वो आसाम वाली, और ऊपर इसके ऊपर रहेगा भूटान, ओके, ऊपर की तरफ सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। सो देखो अभी, तो बक्सा आ गया फर्स्ट, सेकेंड होगा गोरुमारा, यहाँ पे आ गया गोरुमारा, ओके, देन जलदापरा, इसके बीच में आता है जलदापरा, ओके, जलदापरा बिटवीन बक्सा एंड गोरुमारा, इसके बीच में आएगा जलदापरा, ओके, एंड नेवरा वैली इसके ऊपर देखो, यहाँ पे नेवरा वैली एंड सिंगालेला, नेवरा वैली एंड सिंगालेला, ये ऊपर की तरफ आता है, सिक्किम की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठंडा क्लाइमेट मिलेगा, समझ रहा है? तो ये ठंडा होगा, थोड़ा सा कूल होगा, कूल क्लाइमेट होगा, ऊपर की तरफ है ना इसलिए, एंड सुंदरबन तो पता है पूरा ऑफबीट ही है, नीचे आ जाएगा, ये तो पूरा नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सुंदरबन पूरा नीचे की तरफ, ओके, तो देखो मतलब ये जो टोटल 5 दिख रहा है आपको, बक्सा, गोरुमारा, जलदापरा, नेवरा वैली एंड सिंगालेला, तो ये सब यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है सुंदरबन अकेला है, कि जो नीचे अलग से रहेगा वो मैंग्रोव में आएगा, ओनली मैंग्रोव में, ठीक है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन, फर्स्ट इज द बक्सा। सो बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, सो बक्सा टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो द टाइगर रिजर्व एंड ऑल्सो द नेशनल पार्क, गैंजेटिक प्लेन का ये पार्ट है, एंड एशियन मैमल, बाकी एलिफेंट, गौर, सांबर डियर, सांबर जो कि सबसे लार्जेस्ट डियर होता है, तो वो यहाँ पे मिलता है, क्लाउडेड लियोपर्ड यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे भूटान के बॉर्डर पे आता है ये, अब ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भूटान के बॉर्डर पे आएगा, ऐसे पूछ सकते हैं, ओके, तो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे रहेगा बक्सा, देखो भूटान ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भूटान, और उसको लग के आता है, तो आ गया बक्सा, भूटान को लग के या नेपाल को लग के ऐसे कुछ दे सकते हैं, तो आपका आंसर क्या चाहिए, भूटान को लग के आता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे छोटे कुछ हिल्स है बट नॉट इम्पॉर्टेंट, रिप्रेजेंट हाईली एंडेमिक टू इंडो मलायन रियाम, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये कौन से रियाम में आता है, तो इंडो मलायन रियाम, मतलब हमने देखा है कि जो ग्रेट हिमालय में आएगा तो वो पैलियाटिक रियाम होता है,
और शिवालिक के लक के होगा या शिवालिक के थोड़ा साउथ में होगा, तो वो कौन सा एरिया में? इंडो मलायन एरिया। ओके, और ये कौन से एरिया में आएगा? ऑब्वियसली नीचे आ रहा है ना, थोड़ा सा शिवालिक को लग के आ रहा है, तो ये होगा इंडो मलायन एरिया, मतलब ट्रॉपिकल थोड़ा सा फॉरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, या तराई इको रीजन। तो शिवालिक जैसे मैंने नाम ले लिया, तो आपको इक्वल्स टू क्या करना है? तराई रीजन करना है, सैल फॉरेस्ट करना है। ओके, हमेशा याद रखो, जैसे मैंने शिवालिक बोल दिया आपको, तो आपको इक्वल्स टू तराई करना है और इक्वल्स टू सैल फॉरेस्ट करना है, तो यहाँ पे सैल फॉरेस्ट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन मानस नेशनल पार्क अगर आप देखोगे तो इसके ईस्ट में आ जाएगा, मतलब आसाम में है वो, वैसे देखा जाए तो आसाम में आएगा। आप इसके बक्सा के बाद अगर देखोगे यहाँ पे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आसाम आ जाएगा फिर। ठीक है, आसाम में फिर पहला वाला जो स्टार्ट होता है आसाम में वेस्ट की तरफ से, वो आएगा मानस। और वेस्ट बंगाल का सबसे ईस्ट वाला कौन सा है? बक्सा है, समझ रहे? तो ये एक्चुअली डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो मोस्ट रिवर एंटर्स बक्सा रिवर फ्रॉम द भूटान एंड कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ बेड लोड, एंड यहाँ पे फिर फ्लडिंग लाइक सिचुएशन बक्सा में हमेशा होती रहती है, तो इसलिए याद रखना बस तराई वाला ये पार्ट है, तराई काइंड ऑफ रीजन है। ओके, तो बॉर्डर्स पे आ रहा है, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। हमने वेस्ट बंगाल देखा, यूपी देखा है, बिहार देखा है, और वेस्ट बंगाल बस एक ही देखा है हमने। वैसे कल के सेशन में हम क्या करेंगे, कल 12:30 PM को, डू नॉट मिस एनी लेक्चर ना, कल 12:30 PM एंड अगेन 6:30 PM। ठीक है, अगेन हम रिमेनिंग देखने वाले, दैट इज गोरुमारा, जल्दापरा, नेवरा वैली, सिंगालेला एंड सुंदरबन, और इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगा, हम नॉर्थ ईस्ट जाने वाले, जो कि सबसे फेवरेट एरिया यूपीएससी का, वो हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद आपको ये पीपीटी अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप 9 PM को अन अकेडमी ऐप डाउनलोड, मतलब इसके पहले अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो आप लोग, अगर आपके पास होगा तो दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं होगा तो डाउनलोड करके यूज़ करना है कोड, दैट इज़ सुमित कोंडे। सो आपको अनलॉक कोड होगा, जो फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, फ्री कंटेंट मिलेगा, एंड वो स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री हो गए, तो वो जो भी स्पेशल क्लासेस है, आफ्टर 1 आवर, मतलब जैसे लेक्चर हो जाता है, तो उसके 1 आवर के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छा कंटेंट है, देखो आपको एग्जाम के फाइनल रिवीजन के लिए बहुत अच्छा आपको ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो 9 PM को डेली लेक्चर होता है, आप वहाँ से डाउनलोड करो पीडीएफ एंड यहाँ पे आपके लिए स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, चलेगा। ओके, एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? ओके, ठीक है, सो याद रखना अनएकेडमी ऐप पे 9 PM डेली, हाँ 9 PM और 9:30 मैक्सिमम, जस्ट सुमित कोंडे टाइप करो और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट सुमित कोंडे टाइप करना है आपको। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं, हमने आज बहुत अच्छे पार्ट्स कवर किए थे, एंड दैट इज़ कांचनजुंगा हमने देखा है, देन सिक्किम देखा है, कांचनजुंगा का जो पार्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क हमने आज देखा है, एंड बिहार का जो वाल्मीकि पार्ट है वो हमने कवर अप किया, देन सुल्तानपुर एंड कालेसर इन हरियाणा, वो आज हमने कवर किया, एंड दुधवा नेशनल पार्क ऑफ द यूपी जो कि बॉर्डर पे आता है। ठीक है, सो ये सब हमने आज कवर अप किया है, एंड वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि मॉर्निंग के सेशन में देखा था, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, ये सब उत्तराखंड वाले हमने आज कवर अप किए थे, राइट? ये सब आज हमने देखे उत्तराखंड वाले, एंड आफ्टर दैट सैल फॉरेस्ट क्या होता है, सिम्बाल बारा, इंद्री केला, खीरा गंगा, पीन वैली। ओके, ये सब जो पार्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल वाले भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे। ठीक ठीक है, तो देखो यहाँ पे हिमाचल की पूरी लिस्ट है, तो ये हिमाचल वाले भी ऑलरेडी हमारे मॉर्निंग सेशंस में हो गए थे, राइट? चलेगा, यस, इसको एक ही है जो भी आपका नाम है, सो इसको रिवीजन करना है ना, तो जितना लेक्चर से उसको अगेन एंड अगेन गो थ्रू करो, एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन के बाद ये आराम से याद रह जाएगा आपको। ठीक है, 2 to 3 रिवीजन्स, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, एक बार लेक्चर अगर आपने कर लिया तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप मतलब लेक्चर कर लेते हो, तो उसके बाद वो पढ़ने के लिए सिंप्लीफाई हो जाता है, और उसके बाद हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, देखो 2 रिवीजन तो एटलीस्ट कर लो, फिर डेफिनेटली हो जाएगा वो। ठीक है, चलेगा, यस, ओके देन, ओके देन, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं टुमारो एट 12:30 एंड इवनिंग अन अकेडमी ऐप पे 9